बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शारिस मॉम किचन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार बल्कि बच्चों के लिए स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, मिल्क पराठा की रेसिपी। अगर आप एक दफ़ा बच्चों को बना के देंगे तो इंशाल्लाह ताला वो फरमाइश भी आपसे दोबारा बनवाएंगे। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर मैंने एक कप मैदा लिया जिसे मैंने छान लिया है, और मैंने नीम गर्म दूध लिया एक कप के करीब, और मैं कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, हसबे ज़रूरत मैंने थोड़ी सी चीनी ली है, और 3 से 4 बड़े टेबलस्पून मैंने ये मिल्क पाउडर लिया है और नमक लिया है हसबे ज़रूरत। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैदे में सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ, तकरीबन 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम ही है, 2 से 3 चुटकी लगा सकते हैं। और इसमें मिल्क पाउडर जाएगा, और इसमें मैं ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, और अब इसे ग्रेजुअली मिक्स करके थोड़ा थोड़ा दूध डालूंगी और इसकी डो बनाऊंगी सॉफ्ट सी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शारिस मॉम किचन को आप सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं, इससे मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो अगर वीडियो को वो पसंद करते हैं तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट भी करें। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा दूध डालती जाऊँगी, तो इसकी सॉफ्ट सी डो बना के मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सॉफ्ट सी डो बना ली है देख लें, और अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल लगा के इसे सेट होने के लिए 15 मिनट के लिए रख दूंगी, और ऊपर से मैं इसे कर दूंगी कवर। 15 मिनट स्टे दिया है तो इसे चेक करते हैं। हाँ जी जी, चले अब मैं इसके 2 पेड़े इस तरह से बना लूंगी। इस तरह से 2 पेड़े बनाए हैं, अब इसे बेलते हैं। मैदा डस्ट करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इस पे ऑयल लगाएंगे, इवनली फैला दूंगी, और अब इस पे जो ड्राई मिल्क पाउडर है उसे स्प्रिंकल करेंगे अच्छे से, और थोड़ी सी चीनी को करूंगी इसी तरह से। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब इधर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ड्राई मिल्क पाउडर लगाएंगे, फैला देंगे, और चीनी लगा दूंगी अच्छे से, और इधर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। दोनों साइडों पे आपने ऑयल का यूज़ करना है, और अब इसे बेल लेते हैं। इस तरह से इसे शेप दे देनी है, तो मैं इसे पूरा बेल के आपको दिखाती हूँ। तो देखें, एक मैंने अच्छे से बेल लिया, इसी तरह मैं दूसरे को भी बेलती हूँ, तैयार करके उसे भी दिखाती हूँ। मैदा डस्ट करेंगे अच्छे से और इसे बेलेंगे। देखिए मैंने इसे बेल लिया है, और कुकिंग ऑयल को इस तरह से लगाऊंगी, हाथों की मदद से इवनली आपने इसे फैला देना है, और अब ड्राई मिल्क पाउडर का स्प्रिंकल करेंगे अच्छे से। इसे बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है, एकदम फ्लफी पराठे बनेंगे, और हसबे ज़रूरत चीनी डालेंगे, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत स्पेशल बनने जा रहे हैं, तो बच्चे चीनी वाला पराठा बहुत पसंद करते हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब इस जगह पे भी दोबारा से ऑयलिंग करूंगी, ड्राई मिल्क पाउडर अच्छे से, और हल्की सी चीनी, चीनी आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और देखें यहाँ पे भी ऑयल लगाऊंगी, और इधर भी ऑयल लगाना है, और इसे मैं अब आपको बेल के दिखाती हूँ। ये देखें, इसे इस तरह से शेप देनी है। देखिए मैंने इसे इस तरह से बेल लिया है, और इसी तरह मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ। देखिए दोनों पराठों को मैंने बेल लिया है। चलिए अब तवा गर्म करते हैं। नॉनस्टिक का मैंने पैन ले लिया, आप कोई भी पैन ले सकते हैं। इसे अच्छे से गरम कर लें, और अब मैं इस पर डाल दूंगी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
और इसकी एक साइड को कुक करके इसे फ्लिप करेंगे। बबल्स आ गए एक साइड पे तो इसे फ्लिप करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत सा कलर आ रहा है। तो यहाँ पे भी कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगी इस साइड पे और इधर भी। देखें फूल रहा है और आपने फ्लेम बस मीडियम टू लो ही रखना है। देखें बहुत प्यारा कलर आया है। दूसरी साइड से भी इस तरह पका लेंगे। चलें जी एक डन हो चुका है, इसे मैं निकालती हूँ डिश में। ये मिल्क पराठा है ना, ये बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। अगर आप एक दफ़ा बच्चों को बना के देंगे ना और लंच बॉक्स में, तो एंड तक इसने सॉफ्ट ही रहना है। और देखें माशाल्लाह से किस कदर ये खूबसूरत लग रहा है। तो बच्चों को बना के दिखाएं, उन्हें खिलाएं, इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे आपसे राज़ी हो जाएंगे, बल्कि बड़े भी फरमाइश भी आपसे ये बनवाएंगे। बहुत टेस्टी बनता है ये। अल्हम्दुलिल्लाह मिल्क पराठा तैयार है, बहुत टेस्टी बनता है और इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है बनाने में, बहुत ईजी रेसिपी है। और देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ ये कितना फ्लफी एंड सॉफ्ट है। ये खाने में भी बेहद मज़ेदार है। अगर आप इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बच्चों को बेहद पसंद आएगा। और मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।